वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड, जी हाँ, सैमसंग का ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अब ये फ़ोन दुनिया के किसी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये फ़ोन सैमसंग ने सिर्फ रिव्यूअर्स को दिया था, उसमें से सब ने अपने अपने कुछ ओपिनियन दिए, जिसमें एक रिव्यूअर्स ने देखा इस फ़ोन की डिस्प्ले में सिर्फ दो दिन में ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। ये फ़ोन तकरीबन $2,000 का है, जिसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये फ़ोन आता है 1,38,000 के आसपास। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं एग्जैक्टली ये इश्यू हुआ क्या था। तो सैमसंग ने इस इश्यू पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन था उसकी फोल्डेबल स्क्रीन पर एक छोटी सी प्लास्टिक फिल्म लगाई गई थी, यानी कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक का स्क्रीन गार्ड लगाया गया था जो बेसिकली स्क्रीन का ही पार्ट था। लेकिन लोगों को ऐसा लगा ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक होगी, तो लोगों ने इसे हटा दिया या फिर उसे रिमूव करने की कोशिश की गई। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो फ़ोन का बॉक्स था उसके ऊपर कोई भी वार्निंग मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन जब ये फ़ोन मार्केट में आएगा तब उसके बॉक्स पर आपको एक ऐसी वार्निंग देखने को मिलेगी। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये इश्यू क्रिएट हुआ है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसका रीज़न ये है, फोल्डेबल स्मार्टफोन में प्लास्टिक की स्क्रीन देखने को मिल रही है और मूविंग पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअली में जितने ड्यूरेबल होने चाहिए उतने ड्यूरेबल है नहीं और ज़्यादा दिनों तक चल भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है सैमसंग के गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन में। और वैसे भी प्लास्टिक के ऊपर आसानी से स्क्रैचेस आ सकते हैं, और अगर इतनी आसानी से स्क्रैचेस आ जाते हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। काफ़ी सारे इमेजेस और वीडियोस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट जल्दबाजी में तैयार किया गया है या फिर क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया गया है। और जिन लोगों ने प्लास्टिक फिल्म को रिमूव भी नहीं किया था उन लोगों को भी ये फ़ोन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी। और बताया जा रहा है सैमसंग अपने गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन पे पिछले 8 सालों से काम कर रहा था और जल्दबाजी में इस फ़ोन को MWC 2013 में लॉन्च कर दिया गया। सैमसंग को पता था हुआवे भी अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लाने वाला है, और मार्केट में सबसे आगे बने रहने के लिए सैमसंग ने ये फ़ोन को जल्दबाजी में रिलीज कर दिया। मतलब सैमसंग को लोगों को बताना था फोल्डेबल स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी मार्केट में सबसे पहले कौन लाया, तो इसी कंपटीशन में बने रहने के लिए सैमसंग ने इस फोन को लॉन्च कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है सैमसंग को अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन पे और ज्यादा काम करने की जरूरत थी, खास करके ड्यूरेबिलिटी पे फोकस करना था, क्योंकि कुछ ही दिनों में इतने सारे इश्यू आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इश्यू देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गैलेक्सी फोल्ड के साथ प्रॉब्लम रहने वाली है, और हो सकता है जो आने वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन हैं उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट होगी, और आने वाले समय में हो सकता है और ज़्यादा ड्यूरेबल फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। अभी हमें ये भी देखना है हुआवे का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो कितना ड्यूरेबल है, क्योंकि हुआवे ने इस फोन को सिर्फ शोकेस किया है, लेकिन जब वो मार्केट में आएगा तब हमें पता चलेगा ये फोन कितना ड्यूरेबल है। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हो फोल्डेबल फोन की टेक्नोलॉजी के बारे में? क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में सक्सेस होगी या नहीं होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।